कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। आज जो हम बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही फेमस है थ्रू आउट द वर्ल्ड, बच्चों में, बड़ों में, हर एज ग्रुप के अंदर, ऐसे कहते हैं जिंगर बर्गर। बेसिकली हम इसे तीन फेजेस या तीन स्टेजेस के अंदर कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेज होगा जिसमें हम बेसिक चिकन की मैरिनेशन करेंगे। सेकेंड जो फेज़ होगा उसके अंदर लैपिंग करेंगे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ, और थर्ड में हम बर्गर असेंबल करेंगे। तो ये हमारा होगा जिंगर बर्गर। चलिए चलते हैं फर्स्ट फेज़ के अंदर जिसमें हम बेसिक मैरिनेशन होगी। इसके अंदर मैंने लिया है एक चिकन ब्रेस्ट का थिन स्लाइस किया हुआ, इस तरह से पीस, ये बिल्कुल थिन स्लाइस किया हुआ है, आप चाहें तो हैमर्ड भी कर सकते हैं। फिर इसके साथ मैंने लिया है प्याज का पानी। नंबर टू, मैंने लाल मिर्च पिसी हुई थोड़ी सी, तकरीबन आधी टीस्पून लाल मिर्च कटी हुई, और एक टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है सिरका। दूसरा मैंने लिया है सोया सॉस, जो कि तकरीबन एक टेबल स्पून है। हसब ज़ायका मैंने नमक लिया है, और आधा टीस्पून मैंने सफ़ेद मिर्च लिया है। तो चलें इसकी मैरिनेशन करते हैं। इसमें मैरिनेशन कर रहे हैं, ये है नमक और सफ़ेद मिर्च, सिरका एक टेबल स्पून, एक टेबल स्पून सोया सॉस, लाल मिर्च कुटी हुई और पिसी हुई, हाथ धो लीजिएगा और इसको मैरिनेट करके तकरीबन एक घंटा रख दीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ। जी तो दोस्तों, मैंने इसमें एक चीज़ मिस कर दी थी, जो कि है अंडा। अंडा ज़रूर डालिएगा, जिसमें फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। और तकरीबन एक घंटे के लिए इसे आपने मैरिनेट छोड़ देना है। जो इसका सॉस इसके अंदर मौजूद है, ये आप फिर यूज़ कर सकते हैं फॉर द चिकन के लिए। जी तो अब एक घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है, चिकन मैरिनेट बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे, जिसके लिए हमने लिया है एक कप मैदा, एक टेबल स्पून है मेरे पास कॉर्नफ्लावर, आधी टी स्पून मेरे पास लाल मिर्च, आधी टी स्पून से थोड़ा सा कम काली मिर्च, हसब ज़ायका नमक और चिल्ड पानी। ये ज़रूर रखना है ताकि फिगर्स बड़े अच्छे नुमाया होते हैं, जो कि जिंगर बर्गर या ब्रोस्ट की खासियत है। तो चलें इसको हम मैरिनेट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कॉर्नफ्लावर, लाल मिर्च, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, हाथ का इस्तेमाल करेंगे इसमें। थोड़ा सा मैसी है, लेकिन फ्लेवर या जायका आपके हाथ में ही होता है। अच्छे से इसको जेंटली प्रेस करें ताकि फ्लावर मैदा इसमें चिपक जाए। फिर इसको लेके जाएंगे हम ठंडे पानी में, एक टिप होगा और फिर वापस मैदा में। तो ये तरीका होगा इसकी लेयरिंग का, कोटिंग का। इसको कोट करके आपको सिर्फ 10-15 मिनट तक छोड़ देना है और फिर डीप फ्राई। ये तैयार हो गया।
जी, तो मैरिनेशन हो चुके हैं, हमने कोटिंग भी कर दी है, काफ़ी देर वेट कर लिया है, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट। तेल गर्म हो चुका है, अब हम फ्राइंग की तरफ चलते हैं। ये फ्राइंग स्टार्ट हो गया है। इसको नॉर्मल आंच में आपने फ्राई करना है ताकि गोश्त अंदर से भी पक जाए। जी, तो देखते हैं, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गया है, माशाल्लाह बेहतरीन कलर है, क्रिस्प है। इसको हम निकालते हैं। देखिए, ये है क्रिस्पी। अब हम इसकी लेयरिंग करते हैं, यानी कि बर्गर असेंबली। चलिए, इसके लिए मैंने घर पे सॉस बनाया है। इसको हम पहले एक मैश करेंगे। फिर इसके ऊपर रखेंगे हम ये असेंबली। ये मैंने सॉस बनाया है मेयोनीज़, गार्लिक, टोमेटो केचप, एलपिनो के साथ। इस पे हम रखेंगे लेटस, क्योंकि बर्गर विदाउट लेटस नो नो। इस पे टमाटोस, खीरा, ककम्बर, फिर उसके बाद पैटी, उसके बाद गार्लिक मायो। थोड़ा सा नेंडो सॉस, केचप, फाइनली चेडर चीज। Ready to eat.